नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शराब तस्करी के अजब गजब तरीके, ये तरीका देख पुलिस भी हैरान। SP ने कहा, तू डाल डाल तो हम पात पात। चंपावत पुलिस ने लग्जरी कार से शराब की तस्करी का फाड़ाफोड़ किया है। हरियाणा नंबर की कार से शराब की तस्करी की जा रही थी। तस्कर कार से बम्पर, दरवाजा और बोनट में छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। आगामी चुनाव को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस और BJP कर रही तैयारियों का दावा। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर BJP और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस जहां BJP पर निकाय चुनाव समय पर न कराने के आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर BJP कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जमीन दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले बंटी और बबली गिरफ्तार। प्रदेश में पुलिस की सतर्कता के बावजूद जमीन की धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने धोखाधड़ी कर लोगों को चूना लगाने वाले दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद दोनों आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। ऋषिकेश से मां के साथ लापता लड़कियां राजस्थान से बरामद। कोतवाली मिलने पहुंचा पिता, हुआ बेहोश, गई जान। संदिग्ध परिस्थिति में लापता तीन लड़कियों और उनकी मां को पुलिस ने राजस्थान से ऋषिकेश लेकर पहुंची। जैसे ही बेटियों से मिलने उनके पिता कोतवाली पहुंचे, वे अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोटद्वार में रितु खंडूरी ने किया सैनिक कॉलोनी मुख्य मार्ग का उद्घाटन। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने विधायक निधि से बनाई 200 मीटर लंबी निर्मित सड़क का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों ने रितु खंडूरी से सड़क निर्माण की मांग की थी, जिसके बाद विधायक ने निधि से रोड बनवाने का आश्वासन दिया था। आंधी तूफान के कारण केदारनाथ में बड़ी मुश्किलें, बिजली ने बढ़ाई परेशानियां। केदारनाथ धाम में स्थित बेस कैंप में बिजली जाने से तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। धाम में भी लगातार हो रही बारिश के कारण दिक्कतें बढ़ रही हैं। तमाम परेशानी के बाद भी विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी लगातार काम में जुटे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान में DFO स्तर से ही जारी होंगे नोटिस, आदेश हुआ जारी। अतिक्रमण हटाओ अभियान में DFO स्तर से ही अब नोटिस जारी किए जाएंगे। इसको लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी पराग मधुकर धकाते ने आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अब वन क्षेत्रों में कई जगहों पर अतिक्रमण को लेकर किए जाने वाले एक्शन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। पिथौरागढ़ सीमांत इलाकों के दौरे पर राज्यपाल सुरक्षा बलों के साथ की मुलाकात। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज पिथौरागढ़ सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने सुरक्षा बलों के साथ ही मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में मूलभूत सुविधाएं सहित जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले बाहरी लोगों का किया जाएगा वेरिफिकेशन, DGP। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन किया जाएगा। DGP अशोक कुमार का कहना है कि अवैध धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ ही अब काम करने वाले लोगों का सत्यापन भी किया जाएगा। गणेश जोशी के दलाली वाले बयान पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष, दागे दनादन कई सवाल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के दलाली वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया महाराज ने मंत्री गणेश जोशी से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि NS-74 की जांच CBI से कराने वाली सरकार बैकफुट पर क्यों आई है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बावजूद भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। UK SSS पेपर लीक, हकम के करीबी चंदन मंडराल की संपत्ति कुर्क स्टोन क्रशर सील। UK SSS पेपर लीक के आरोपी चंदन मंडराल की रामनगर में संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने चंदन की 6 संपत्ति चिन्हित की है। चेरी बहन की शादी में शामिल होने जा रहे गंगोली हाट के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके पति और दो बच्चे बाल बाल बच गए। पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दे दी है। जून से लगेंगे रोजगार मेले, 190 पदों पर होगी भर्ती। क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय अल्मोड़ा की ओर से 1 जून से विभिन्न विकास खंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में JK सिक्योरिटी सर्विसेज रामनगर और पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड हल्द्वानी की कंपनी हिस्सा लेगी। विकास खंडों में अलग अलग तिथियों में आयोजित मेलों की सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर के 190 पदों पर भर्ती की जाएगी। सेवा आयोजन कार्यालय से मिली जानकारी से 1 जून को सेवा आयोजन कार्यालय अल्मोड़ा, 2 को खंड विकास कार्यालय हवालबाग, 3 को द्वारा हाट, 5 को चौखुटिया, 6 को भिकियासैंण, 7 को सल्ट, 8 को सियालदे, 12 को ताड़ीखेत, 13 को धौला देवी, 14 को भैसिया छाना, 15 को ताकुला और 16 जून को लमगड़ा के खंड विकास कार्यालय में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। 30 मई से होगी भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान। भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत सभागार में आयोजित विधानसभा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व विधायक गंगोली हाट मीना गंगोला का कहना है कि 30 मई से 30 जून तक पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाएगा। दून के हॉस्टल में युवक का संदिग्ध हालत में मौत। होटल में एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए रखवा लिया है। थानाध्यक्ष राजपुर जितेंद्र चौहान ने बताया कि केनाल रोड स्थित एक होटल में युवक के बेहोश होने की सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई थी। शव की शिनाख्त पीड़ित मोहन निवासी शिवालिक अपार्टमेंट के रूप में हुई है।
उत्तराखंड में आरटीई सीटों में दाखिले के लिए मारामारी। उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर मारामारी है। प्रदेश में 18,000 सीटों में दाखिले के लिए इस बार 25,000 बच्चों ने आवेदन किया है। 1 जून को इन स्कूलों में आरटीआई के तहत दाखिले के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 5 जून से दाखिले मिलने शुरू हो जाएंगे। गार्ड को गोली मारने में पत्नी समेत 4 दबोचे। सूरज मल कन्या महाविद्यालय के गार्ड को गोली मारकर घायल करने के आरोप में पुलिस ने पति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास दो तमंचे, 41,000 रुपए नगद और 2 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि गार्ड की पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। SSCI करेगा 350 पदों पर भर्ती। सीमांत में रोजगार की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। SSCI सिक्योरिटी की ओर से सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और सुरक्षा अधिकारी के 375 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती प्रक्रिया विकासखंड स्तर पर संपन्न होगी। इसके लिए अलग अलग तिथि को विकासखंडों में शिविर लगाए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। गर्मी की छुट्टियों में भी बिना किताब के होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग की ओर से 2 महीने बाद भी सभी कक्षाओं के बच्चों को निःशुल्क मिलने वाली किताबें नहीं मिल पाई हैं। अब गर्मियों की छुट्टियों में भी छात्रों को बिना किताबों के पढ़ाई करनी होगी, जबकि किताबें न होने से शिक्षकों ने छुट्टियों के लिए भी ज्यादा काम नहीं दिया है। श्रीनगर में ही CUET होने की उम्मीद। CUET संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक 2023 के HNB केंद्र गढ़वाल विश्वविद्यालय के 14 परिसर में होने की संभावना है। हालांकि आगामी कुछ दिनों की परीक्षा NTA राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने तय कर दी है, लेकिन गढ़वाल विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि 30 के बाद होने वाली CUET के लिए छात्र छात्राओं को श्रीनगर केंद्र आवंटित कर दिया जाएगा। हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर शुरू हुई। 1484 तीर्थयात्री पहुंचे। 2 दिनों से रुकी हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा मौसम सामान्य होने पर फिर से शुरू हो गई है। सैकड़ों तीर्थयात्री गोविंद घाट और घांघरिया में यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को यात्रा शुरू हुई तो घांघरिया से हेमकुंड साहिब करीब 1484 तीर्थयात्री पहुंचे और मत्था टेका। DLED प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के चारों सेट की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट www.ubsc.uk.gov.in पर अपलोड हो गई है। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति हो तो वे 9 जून तक प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रेमी संग मिलकर दी पति की हत्या की सुपारी। प्रेम प्रसंग का पता चला तो पति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के लिए 2 शूटरों को 1,00,000 रुपए की सुपारी दे दी। शूटरों को 80,000 रुपए की पेशगी भी दे दी गई। पुलिस ने आरोपित पत्नी और उसके प्रेमी व दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर उनकी साजिश पर पानी फेर दिया। शूटरों से 2 तमंचे और 41,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। रुड़की में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू। रुड़की में गोदाम में आग लगी। आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। दमकल कर्मियों का कहना है कि गोदाम स्वामी ने आग बुझाने के कोई उपकरण नहीं रखे हुए थे, साथ ही उन्होंने गोदाम स्वामी पर कार्रवाई की बात कही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।